हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोल ई मित्र चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मोरफो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताऊंगा और उनकी हमारे को क्या क्या सेटिंग करके रखनी पड़ती है अपने पीसी के अंदर। तो आपको मैं इस विंडो 10 पीसी के अंदर आज बता रहा हूँ। ये मेरा न्यू बिल्कुल लैपटॉप है, इसके अंदर अपन मोरफो का सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अभी तक आपने हमारे इस जसोल ई मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मोरफो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, rdserviceonline.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद में या डाउनलोड का आपको ऊपर आइकन दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप माउस लाओगे तो यहाँ पर ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर विंडो के लिए विंडो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विंडो पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका मोरफो का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है इसलिए मैं यहाँ पर इसको पॉज कर दिया है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद में आप इस निशान पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे शो इन फोल्डर, तो ये जहाँ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है वहाँ का फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। तो ये डाउनलोड होने के बाद में आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ओके कर लेते हैं। तो हमारे ये फोल्डर है ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन क्लिक कर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखें, ये मैं ई मित्र डार्क के लिए स्पेशल बता रहा हूँ। ये सेटिंग करने के बाद में इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में आपका ये सॉफ्टवेयर है ई मित्र में वर्क करेगा और आज एस एस पी में भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे और रन एस एडमिनिस्टर पर क्लिक कर दोगे। फिर ये मैं विंडो 10 में इंस्टॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर रन एनी वे का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर मेरा ओपन हो गया है पॉपअप। तो हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। हो सकता है ये पॉपअप आपको मेरे इस रिकॉर्डिंग के अंदर शो नहीं कर रहा हो और आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको विंडो 10 के अंदर ये पॉपअप जरूर दिखाई देगा, और अगर आप 7 में इंस्टॉल करोगे तो ये पॉपअप आपको दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर है बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको आगे आने वाले ई मित्र से संबंधित नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ पर ये हमारे सिस्टम को रिस्टार्ट करने को बोल रहा है तो हम यहाँ पर नो कर लेते हैं। आप चाहें तो अपना सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर मोरफो लगा लेते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। फ्रेंड्स, आप अगर मोरफो को बाद में लगाओगे तो आपका सॉफ्टवेयर है वो सही से इंस्टॉल होगा, अगर आप पहले भी लगा सकते हो। तो मैंने मोरफो को लगा दिया है। तो आप जैसे ही मोरफो लगाओगे तो आपके सिस्टम के अंदर मोरफो आरडी सर्विस है वो रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद में एक आपको पॉपअप दिखाई देगा, जैसे कि ये मेरे इसके अंदर पॉपअप शो कर दिया है। इस तरीके से आपको पॉपअप दिखाई देगा। अगर आपका वर्जन अलग है तो अलग हिसाब से दिखाई देगा, लेकिन आपका रजिस्टर्ड फाइल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं और हम चलते हैं माई पीसी के अंदर और सी के अंदर चलते हैं और मोरफो आरडी सर्विस सॉफ्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर अपन एक चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ये वर्जन है ये 4.2 है, इसलिए इसके अंदर 47.5 है फाइल है। तो यहाँ पर मोरफो रजिस्टर्ड होगी तो इसके अंदर ये फाइल इसके अंदर जरूर आएगी, MSO डिवाइस। ये आपकी मोरफो रजिस्टर्ड हो जाएगी तभी ये फाइल आएगी, नहीं तो ये फाइल नहीं आएगी। तो अब हम हमारी ये मोरफो है रजिस्टर्ड हो गई। अब हम सबसे पहले मोरफो की सेटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर है इसी सभी फाइल को यहाँ पर कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ ऊपर पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉपी एड्रेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा एड्रेस है ये कॉपी हो गया है। अब हम सर्च बार के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एडिट। यहाँ पर हमने एडिट लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे को दो ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे को क्लिक कर देना है एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग ओपन हो जाती है। अब हमारे को यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है
PATH यानी पैथ लिखना है, और यहाँ पर हमने जो लिंक कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। तो ये हमारा लिंक है, ये पेस्ट हो गया है। अब हम यहाँ से ओके कर लेते हैं, इसको भी ओके कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मोरफो की सेटिंग अब हो चुकी है। अब हमारे को गूगल क्रोम है ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, गूगल क्रोम फ्लैग सेटिंग आपको इस तरीके से सर्च करना है। मैंने यहाँ पर गूगल फ्लैग सेटिंग लिखा है, हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करना है, क्रोम से लेकर फ्लैग्स तक। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है और न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर आपको एंटर करना है। तो ये क्रोम की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर कंट्रोल एफ करना है तो ये फाइंड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है इनवैलिड, INVALID, इनवैलिड आप सर्च करोगे तो इस प्रकार से आपके पास में अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आप डिसेबल देख रहे हो, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पर अनेबल कर दोगे और यहाँ पर गूगल क्रोम को रिलॉन्च कर दोगे। और यहाँ पर जो ये हमारा पॉपअप दिखाई दे रहा है कंटिन्यू डाउनलोडिंग, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। तो ये अब हमारा गूगल क्रोम है, ये वापस रिलॉन्च हो गया है। तो अब हम SSO लॉगिन करते हैं और आपको RAJSSB भी लॉगिन करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि ये सेटिंग आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये बिल्कुल आप ये सेटिंग नहीं करते हो तो भी चलेगा, लेकिन ये सेटिंग आप कर देते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका SSO RAJSSB बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर SSO ID को लॉगिन करते हैं या ई मित्र पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा ई मित्र ID ओपन होगी यहाँ पर फिंगर लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं तो हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर लाइट आ जाएगी। मेरे लाइट आ गई है और यहाँ पर मैंने फिंगर रख दिया है और हमारा ये फिंगर वेरीफाई हो रहा है। और वेरीफाई ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मोबाइल को काम करने लग गई है। इसके बाद में मैं आपको RAJSSB भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ और यूटिलिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ RAJSSB, सर्च करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने वो उनको सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर चलते हैं एप्लीकेशन यूटिलिटी में और ईयरली वेरीफिकेशन, और ईयरली वेरीफिकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर पेंशन का नंबर लगा देते हैं, नंबर लगा दिया है। यहाँ पर शो पे डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ टिक कर लेते हैं और यहाँ कैप्चर बायो पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे डिवाइस के अंदर लाइट आ गई है और कस्टमर का फिंगर रखवा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट आ गया है। उसके बाद में आप वैलिडेट करके पेंशन सत्यापित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको मोरफो इंस्टॉलेशन करना बताया है ई मित्रा और RAJSSB के लिए। ये मेरा बिल्कुल न्यू लैपटॉप है, इसके अंदर मैंने आपको इंस्टॉल करके बताया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।